चीन की चालबाजी अब नहीं चलेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष, मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। एक वायरस, एक WHO और तीन शक्तिशाली देश, शुरू हो गई है भीषण टक्कर। दुनिया मानो वर्ल्ड वॉर के मुहाने पर आ खड़ी हुई हो। दरअसल WHO पर चीन और अमेरिका की तकरार में रूस भी कूद पड़ा है। उसने ट्रंप की धमकियों की निंदा की है और नसीहत दी है कि अमेरिका अपने हद में रहे। अमेरिका की दादागिरी को खुला चैलेंज देकर पुतिन के उप विदेश मंत्री ने कोरोना कांड को और संगीन बना दिया है। खतरनाक मूड में तीन महाशक्तियां, कोरोना पर अमेरिका वर्सेस चीन रूस, WHO के किरदार पर खींची तलवार। WHO की यह सालाना बैठक मानो दुनिया का सबसे बड़ा दंगल बन गई। इस संगठन के किरदार और व्यवहार पर अमेरिका और चीन की तनातनी में रूस भी कूद पड़ा है, वो भी पूरे ठसक के साथ। मानो वो भी ट्रंप को देख लेने के मूड में है। बिना लाग लपेट के रूस ने अमेरिका के तौर तरीकों और धमकियों की निंदा की। ट्रंप ने WHO से अमेरिका को अलग कर लेने और WHO को दिए जाने वाले सालाना अनुदान को हमेशा के लिए रोक देने की धमकी दी थी। ये बात चीन के हिमायती रूस को भी चुभ गई। अब तक आमतौर पर चुप रहने वाले रूस ने खुद ट्रंप को खरी खरी सुना डाली है। रूस के विदेश मंत्री की तलखी पर गौर कीजिए। हम कोरोना पर राजनीति के सख्त खिलाफ हैं। हर बात WHO पर नहीं थोपी जा सकती। किसी एक देश के राजनीतिक और भौगोलिक पसंद नापसंद के आधार पर किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन पर चोट नहीं पहुंचाई जा सकती, चाहे वो अमेरिका ही क्यों ना हो। तो रूस ने अपनी तरफ से ये साफ कर दिया है कि बहिष्कार करने से कोई फायदा नहीं होगा। ये समय ऐसा है जब WHO का सहयोग करने की आवश्यकता है। अब सीधे तौर पर देखिए तो ये WHO का समर्थन है, लेकिन शायद रूस अपनी पुरानी दुश्मनी भूला नहीं है, इसीलिए आज की तारीख में चीन के साथ खड़ा भी दिख रहा है। रूस का रोष ट्रंप पर फूटा है। दरअसल WHO की एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग शुरू होने से पहले ही ट्रंप ने उसे चिट्ठी लिखकर बेतरह हड़काया था। उन्होंने 30 दिन में WHO को अपना चाल चरित्र और चेहरा सब कुछ बदलने की धमकी दी थी। एक तरह से वो कह गए, कोरोना मामले पर निष्पक्ष जांच नहीं हुई और WHO चीन की तरफदारी करता रहा तो वो उसे बर्बाद कर देंगे। I chose not to make a statement today. I'll be giving them a statement sometime in the near future, but I chose not to give a statement. I think they've done a very sad job in the last period of time. And again, the United States pays them $450 million a year. China pays them $38 million a year. And they're a puppet of China. एक तरह से देखें तो पानी सिर के ऊपर जा चुका है। पहली बार विश्व स्वास्थ्य संगठन के छिन्न भिन्न होने का खतरा मंडराने लगा है, वो भी संगीन इल्जाम के साथ कि वो चीन की तरफदारी करता है। हालांकि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पुरजोर तरीके से ट्रंप के आरोपों का खंडन किया। 中方始终本着公开、透明、负责任的态度，及时向世卫组织及相关国家通报疫情信息，第一时间发布病毒基因序列等信息，毫无保留同各方分享防控和救治经验，尽己所能为有需要的国家提供了大量支持和帮助。 यहां तक इस मामले में रूस की चढ़ाई भी तमतमाई ट्रंप को दोबारा तीखा बयान देने पर रोक नहीं पाई। उन्होंने ट्वीट कर इशारों इशारों में शी जिनपिंग पर तगड़ा निशाना साधा है। चीन में कुछ सिरफिरे कोरोना के लिए दुनिया में सबको दोष दे रहे हैं, बस चीन को पाक साफ बता रहे हैं। इस वायरस ने लाखों लोगों की जान ली है। सच तो ये है कि ये चीन के निकम्मेपन का नतीजा है, जिसकी वजह से दुनिया भर में मौतें हो रही है। खैर, अमेरिका और चीन के बीच खलबली काफी पहले से है, काफी पहले से ही WHO पर भी निशाना है। लेकिन ये पहली बार हुआ जब 116 देशों ने चीन और WHO की भूमिका पर जांच की बात की। दुनिया भर से उठी आवाजों ने WHO को हिलाकर रख दिया है। दबाव इस हद तक बढ़ा कि WHO को खुद अपने खिलाफ और कोरोना वायरस की उत्पत्ति को लेकर जांच का ऐलान करना पड़ा। चीन जांच के लिए राजी हुआ, लेकिन यहां भी एक चाल है, वो वुहान लैब को जांच के लिए नहीं खोलेगा। वेट मार्केट में जाकर कोरोना की उत्पत्ति के कारण ढूंढ सकती एजेंसियां। जो भी हो, दबाव तो था,
ऐसे वक्त में रूस आया है ताकि चीन की चिंता को कम कर सके। यह रूस की मंशा समझिए, वो नहीं चाहता कि अमेरिका पर उसके किसी भी हमले को उस चश्मे से देखा जाए जहां लगे कि रूस चीन के साथ है। WHO को सशक्त नहीं करना चाहता या जांच नहीं चाहता। ऐसा होने पर विश्व का एक बड़ा धड़ा अमेरिका की अगुवाई में अलग हो सकता है या नाराज हो सकता है। इसलिए चीन और रूस एक अच्छे साझेदार की तरह सिर्फ अमेरिका को लपेटने में लगे हैं। इन सबके बीच मैन ऑन द मिशन डॉक्टर हर्षवर्धन देश में कोरोना को हराने की अलग जगाने के बाद अब वो विश्व स्वास्थ्य संगठन में भी बड़ी जिम्मेदारी निभाने जा रहे हैं। अब WHO का इलाज करेंगे हर्षवर्धन। 22 मई को संभालेंगे WHO के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष पद। 194 देशों का मिला हर्षवर्धन को समर्थन। भारत को कार्यकारी बोर्ड में शामिल करने पर मुहर मंगलवार को ही लग गई थी। 194 देशों ने इस खास प्रस्ताव पर दस्तखत किया। 22 मई को वो बाकायदा अध्यक्ष का पद ग्रहण कर लेंगे। डॉक्टर हर्षवर्धन के पास मौका है WHO की साख को बहाल करने का। उनके पास एक और मौका होगा WHO में चीन की गहरी सांठगांठ को तोड़ने और अपने इस पड़ोसी की चतुर चालों को ध्वस्त करने का। आज तक देरो। चीन को जो समर्थन चाहिए था वो आखिरकार मिल ही गया। WHO के बहाने ही सही अमेरिका पर रूस का निशाना चीन को ताकत देने का काम कर गया। अब अमेरिका पर दबाव बढ़ गया है क्योंकि उसे एक फ्रंट पर नहीं बल्कि दो दो फ्रंट पर लड़ाई लड़नी होगी। अमेरिका जानता है कि आज भी रूस के पावर को कम करके आंकना भूल साबित हो सकती है। वैसे इतिहास गवाह है कि अमेरिका को रूस से निपटने में अक्सर मुश्किलों का सामना करना पड़ा है, लेकिन सच्चाई यह भी है कि चीन जिस तरह का काम करता रहा है कोरोना मामले को छिपाने का, उस पर आगे आने वाले वक्त में उसकी भी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। कभी सीरिया में वॉर पर, कभी ईरान में न्यूक्लियर हथियार पर टकराते ही रहे हैं अमेरिका और रूस। कोल्ड वॉर के वक्त की तो बात ही क्या करनी, तब दुनिया ने अमेरिका और रूस की लड़ाई में जो जो देखा वो अविश्वसनीय था, अकल्पनीय था। लेकिन कोल्ड वॉर के बाद भी आज के जमाने में रूस और अमेरिका टकरा ही जाते हैं। वो कहावत है ना, दुश्मन का दुश्मन होता है दोस्त। आज अमेरिका बनाम रूस चीन की दास्तान बहुत हद तक इसी के इर्द गिर्द है। चीन को अमेरिका सुहाता नहीं, रूस से अमेरिका की पुरानी दुश्मनी थी। बस मिल लिए दो यार और ऐसे हुआ अमेरिका पर पलटवार। वैसे भी दोनों साम्यवादी सोच के देश हैं। आज की चीन रूस को हर तरह की मदद भी देता है, इसलिए चीन पर मुसीबत पड़ी तो रूस आ गया। अब रूस और अमेरिका के बीच मॉडर्न तनातनी का लेखा जोखा भी देख लीजिए। अमेरिका के तमाम पाबंदियों के बाद भी रूस ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम में मदद करता है, ये भी तूतू मैमे की एक जड़ है। 2011 में सीरिया की सरकार द्वारा नागरिक आंदोलन को कुचलने और उसमें रूस के साथ देने से भी अमेरिका अरसे से खफा रहा है। अमेरिका से मतभेद की वजह से चीन 2012 तक WTO से नहीं जुड़ा था। 2012 में रूस ने अमेरिका की एक एजेंसी को देश निकाला दे दिया था। आरोप थे कि USAID नाम की वो एजेंसी रूस के राजनीतिक प्रक्रियाओं पर असर डाल रही थी। कोल्ड वॉर यानी कि शीत युद्ध को आप एक ऐसे समय काल के तौर पर देख सकते हैं जहां पर जो डेमोक्रेटिक देश थे और जो कम्युनिस्ट देश थे, यानी पूरब और पश्चिम समझ लीजिए, उनके बीच एक टकराव की स्थिति सी रहती थी, तनाव रहता था। लेकिन इससे बढ़कर ये देश एक दूसरे को नीचा दिखाने में, एक दूसरे की जासूसी करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ा करते थे। अब दो सुपर पावर उस समय के, यानी अमेरिका और दूसरी तरफ सोवियत यूनियन, उनके बीच में यह टकराव रहता था। और लगभग यह समझ लीजिए कि जब तक जो सोवियत यूनियन है वो खंडित नहीं हो गया तब तक यह शीत युद्ध इन दोनों के बीच चलता रहा। हालांकि अब रूस और अमेरिका के बीच वैसी नफरत नहीं है जैसी किसी दौर में हुआ करती थी। पुतिन और ट्रंप की आपस में बनती भी रही है, लेकिन जब बात जोर दिखाने की होती है तो अब भी कोई किसी से कम नहीं। चीन के साथ मिलकर रूस ने उसी जोर की नई नुमाइश की है। आज तक ब्यूरो। वैसे चीन है कि वो सुधरने वाला नहीं। कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया में बेनकाब हो चुका चीन लगातार अपनी फौज की धौंस दिखा रहा है, लेकिन इस बार उसका ये दांव उल्टा पड़ गया।
चीन ने लद्दाख में एलएसी पर अपनी फौज बढ़ाई तो भारतीय सेना ने भी उसे उसी ही भाषा में जवाब देने का प्लान बना दिया। पहले वायरस से मचाई तबाही, फिर दुनिया को किया गुमराह। WHO जैसी संस्था की आड़ में कोरोना पर पर्दा डालने की कोशिश, लेकिन फिर भी बेनकाब हो गया चीन। दुनिया के 161 देशों ने लामबंदी शुरू की तो ड्रैगन फड़फड़ाने लगा। WHO ने जांच शुरू की तो शी जिनपिंग की धुकधुकी बढ़ गई। ब्लड प्रेशर हाई हो गया। कोरोना के जरिए पूरी दुनिया में मौत बांटने वाला चीन अब बुरी तरह फंस गया है। जिन कंपनियों के दम पर चीन ने अर्थव्यवस्था खड़ी की, अपना बड़ा साम्राज्य बनाया, अब उन्हीं में से कई कंपनियों ने बाय बाय करना शुरू कर दिया है। दुनिया में अलग थलग पड़े चीन की छटपटाहट ऐसी कि अब वो अपना आपा भी खोता जा रहा है। हालात ऐसे हो गए हैं कि हाल के दिनों में लद्दाख में एलएसी पर चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। चौतरफा भद्द पिटने के बाद चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग बेचैन है। जिनपिंग की इसी बेचैनी में कम्युनिस्ट फौज ने एलएसी पर अपने जवानों की तादाद बढ़ा दी है। उसे इस बात की मिर्ची लग गई है कि भारत पेंगोंग त्सो झील के करीब सड़क निर्माण क्यों कर रहा है। चाइना एक ऐसा देश है कि जो लगातार विस्तारवादी नीति पे काम करता है। चाइना लगातार जो है एग्रेसिव और असर्टिव बिहेवियर अपनाता है और अधिक से अधिक टेरिटरीज को एक्वायर करने के लिए उस पर झूठा क्लेम भी करता है। तो इसी वजह से अब आने वाले समय में जैसे जैसे भारत का विकास का कार्य बॉर्डर एरियाज का तेज होगा, वैसे वैसे बहुत संभावना है कि चाइना की तरफ से इस तरह के जो पोटेंशियल जो फेस ऑफ की सिचुएशन बनेगी। चीन चाहे फौज बढ़ा ले या फिर आंखें तरेर ले, लेकिन इस बार उसका ये दांव उल्टा पड़ गया है। दुनिया की सबसे अनुशासित यानी भारतीय फौज ने भी उसी की भाषा में जवाब देने का प्लान तैयार कर लिया है। भारतीय फौज ने भी अपनी टुकड़ी बढ़ा दी है। हालांकि भारतीय सेना के सूत्रों के मुताबिक गर्मियों में इस इलाके में सेना की तादाद बढ़ा दी जाती है। बर्फ पिघलने की वजह से पेट्रोलियम का काम बढ़ जाता है, इसलिए ज्यादा सैनिकों की जरूरत पड़ती है। देखिए, चाइना का अल्टीमेट एम्बिशन जो है वो है कि 2025 और 30 के बीच में अमेरिका को पूरी दुनिया में और इंडिया को एशियन कॉन्टिनेंट में ग्लोबली चैलेंज कर सके और उनके ऊपर सुपरवेसी और कामयाबी पा सके। दरअसल एलएसी पर 5 और 6 मई को पेंगोंग त्सो झील के करीब चीन और भारतीय फौज के बीच हिंसक झड़प हुई थी। वजह ये थी कि पेंगोंग त्सो झील के उत्तर में भारत सड़क निर्माण कर रहा था, जिसका चीन लगातार विरोध कर रहा था। लेकिन भारत भी अड़ गया। भारत ने साफ कर दिया कि हमारी तरफ का हिस्सा है, लिहाजा हम पीछे नहीं हटेंगे। भारत ने दो टूक कह दिया कि जब चीन अपनी तरफ का सड़क निर्माण कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। लेकिन यह झड़प इतनी बढ़ गई कि फौज के आला अधिकारियों को दखल देना पड़ा। बाद में सड़क निर्माण के काम को रोक भी दिया गया, जिसके बाद मामला शांत हो गया। लेकिन चीन की चालाकियां अभी कम नहीं हुई। वो लगातार बाहें फड़का रहा है, जिसका जवाब रणनीति के तहत देने में जुट गई है हमारी सेना। इसे निपटने के लिए हमारे प्रोटोकॉल पहले से हैं। वो अगर उस पेट्रोल के लेवल पर ये मामला सुलझा नहीं जा सकता तो फिर डेलीगेशन लेवल मीटिंग होते हैं, हाईएस्ट मिलिट्री लेवल कमांडर मीटिंग होते हैं और उस वक्त आपस में बातचीत करके एक दूसरे के पॉइंट को समझते हुए फिर दोनों साइड डिसएंगेज हो जाते हैं। पूर्वी लद्दाख के दूसरे क्षेत्रों में हमारी सेना ने अपनी पकड़ मजबूत बनाई है। किलेबंदी करके चीन की चालबाजियों पर पानी फेर दिया है। जैसी जगहें संवेदनशील हैं, जहां भारतीय फौज की मुस्तैदी चीन की हर चाल को नाकाम बनाने के लिए काफी है, लेकिन जिस तरह चीन दुनिया में अलग थलग हो गया है, ऐसे में हमें ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है ताकि उसके मंसूबों पर पानी फेरा जा सके। मंजीत नेगी के साथ अभिषेक भल्ला, दिल्ली आज तक।
कोरोना मामले पर चीन की घेराबंदी बेहद जरूरी है, क्योंकि सच्चाई जो भी है इस पूरे मामले पर वो दुनिया के सामने आनी ही चाहिए। हमारी इस पेशकश में विशेष में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।